नया साल शुरू होते ही बसपा और सपा के पार्षदों को भाजपा के नेताओं ने बेरहमी से पीटा और उन्हें किया अपमानित। ये वही भाजपा वाले हैं जो राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये राम राज्य तो बिल्कुल नहीं है, ये जरूर गुंडा राज। जी हां, अभी हाल ही में 30 दिसंबर को बसपा के पार्षद आशीष चौधरी और सपा के पार्षद कुलदीप को भाजपा के पार्षदों ने, भाजपा के नेताओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम किया और उन्हें अपमानित करने का काम किया। इस पूरी खबर पर हम विस्तार से इसी वीडियो में आगे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, बहुजन समाज पार्टी के पार्षद की पिटाई पर बहुजन समाज पार्टी की बड़ी नेता और कद्दावर नेता मायावती ने एक शब्द नहीं कहा। जी हां, मायावती ने इस घटना पर अपना जुबान नहीं खोला और एक ट्वीट तक नहीं किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अलावा आजाद समाज पार्टी के बड़े नेता और बहुजनों में अपना एक पकड़ रखने वाले चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले पर बहुत बड़ा बयान दिया है। और इस घटना के होने के बाद मेरठ में एक महापंचायत बुलाई और आशीष चौधरी यानी उस पार्षद के साथ मिलकर मीटिंग की और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और चंद्रशेखर आजाद ने अब आशीष चौधरी को पूरा समर्थन दे दिया है। आशीष चौधरी से चंद्रशेखर आजाद जब मिले तो आशीष चौधरी भावुक हो गए, वो रोने लगे। तब चंद्रशेखर आजाद ने उनके आंसुओं को पोंछा और कहा, तुम एक क्रांतिकारी साथी हो, तुम्हें रोने का अधिकार नहीं है, तुम रो नहीं सकते, तुम लड़ने के लिए हो, हम लड़ने के लिए हैं, तुम्हारा बड़ा भाई यानी चंद्रशेखर आजाद तुम्हारे साथ खड़ा है, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे भाजपा की सरकार हो या ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाजपा के नेता आपका कुछ नहीं कर सकते। ऐसा चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी के पार्षद आशीष चौधरी से कहा है और दिलासा दिया। तो आइए अब बातचीत करते हैं इस पूरी घटना पर, इस पूरी खबर पर। ये खबर मेरठ की है। मेरठ में अभी हाल ही में नगर निगम की बैठक बुलाई गई जिसमें तमाम पार्टी के तमाम नेता भी मौजूद। बैठक खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पार्षदों के बीच के मतभेद मुठभेड़ में बदल गए, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी के पार्षद और समाजवादी पार्टी के पार्षद की पिटाई हो गई, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, लोगों में इस वीडियो का काफी चर्चा भी हुआ, लोगों ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया भी दी। मेरा सीधा सवाल सरकार से है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यानी आपके कार्यकर्ता और नेता इस तरह सरेआम सड़कों पर बहुजन समाज पार्टी या किसी भी पार्टी के पार्षद को मार रहे हैं, पीटने का काम कर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप राम राज्य की बात करते हैं, कहीं आपका राम राज्य लोकतंत्र को राजतंत्र की तरफ ले जाने का काम तो नहीं कर रहा है? अगर ऐसा है तो आप मुझे बता दीजिए, और आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पर आप मुझे कमेंट में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।